Hello there guys, what's up? Welcome back to my channel Clash with Aways, जहां मैं आपको सिखाता हूँ Clash of Clans की strategies, जो आपको easily 3 star दिला सके home base और builder base दोनों में। So जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, उनसे मैं request करूँगा कि मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए और बहुत अच्छे कंटेंट्स पड़े मेरे चैनल में, सबको देख लीजिएगा। इजीली आपको सब स्ट्रेटजी समझ में आ जाएंगी और आप इजीली 3 स्टार कर पाएंगे। सो मेरे व्यूअर्स के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू जो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मैं आपको एक और बात बता दूँ कि आप हर बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिया करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको देता हूँ बेस लेआउट की लिंक्स, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी देता हूँ। सो आपको कोई भी क्वेरी हो, आप इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे वीडियोस की इंफॉर्मेशन वहाँ भी आपको मिल जाएगी। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था द मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटजी गोबो विच विदाउट सीज बैरक्स। क्या स्ट्रेटजी थी, इतनी पावरफुल कि सीज बैरक्स के बिना भी आप 3 स्टार कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ और एक पावरफुल स्ट्रेटजी पेका बो बैट। जी हाँ, पेका बो बैट का मतलब पेकास प्लस बॉलर्स प्लस बैट स्पेल। ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है जो आपको 3 स्टार दिला सकती है। इस स्ट्रेटजी में आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। पहला कि स्वीपर की डायरेक्शन देखना पड़ती है क्योंकि बैट्स डालने हैं, और दूसरा कि पेकास और बॉलर्स सारे फनल बराबर हो तो अंदर जाए। चलिए अब देखते हैं आज की स्ट्रेटजी। आर्मी में बताता हूँ आपको यूज़ करने वाला हूँ वो। आज हम यूज़ करेंगे 4 पेकास, 4 हीलर्स, 1 बेबी ड्रैगन, 6 विजार्ड्स, 8 बॉलर्स और 1 मिनियन। स्पेल्स आप देख सकते हैं, 1 रेज लिया है मैंने, 4 फ्रीज और 5 बैट स्पेल्स। तो हमारा पेका बोबेट हो चुका है कंप्लीट। क्लैन कासल 2 भी मैंने लिया है, 1 पेका, 2 जायंट्स जो मुझे मिलेंगे तो मैं अटैक कर दूंगा, 1 पॉइजन और लॉग लॉन्चर। लॉग लॉन्चर ऑप्शनल है, उसकी जगह पे आप वॉल रेकर भी ले सकते हैं, पर मुझे लॉग लॉन्चर अच्छा लगता है क्योंकि वो 4-5 वॉल्स एक साथ तोड़ सकता है। और हीरोज भी मेरे दोनों हैं, आर्चर क्वीन और बारबेरियन की। So let's go for the attack guys। मैं फ्रेंडली चैनल पे अटैक करने वाला हूँ, ये बेस आप देख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए, दोनों इन्फर्नो इसके सिंगल पे है। यहाँ पे सीसी के पास में 2 विजार्ड टावर्स हैं, 2 इन्फर्नो के आजू बाजू में है। विजार्ड टावर से हमें बैट्स को प्रोटेक्ट करना होता है, तो जैसे ही विजार्ड टावर के पास में बैठ जाए तो हमें फ्रीज यूज करना है। लेट्स गो फॉर द अटैक गाइस। बेस देख लीजिए आप अच्छे से। तो पहले मैं चालू करूंगा क्वीन वॉक, क्वीन विद 4 हीलर्स। कॉर्नर पे से क्वीन वॉक शुरू कर दिया है और बेबी ड्रैगन से हम फनल क्रिएट करेंगे और तीसरी तरफ बारबेरियन किंग। तो जैसे ही हमारा फनल क्रिएट हो जाएगा, हम डाल देंगे लॉग लॉन्चर जो वॉल्स तोड़ देगा, जिससे कि एक पास क्लियर हो जाएगा और हमारे पेकास अंदर जाएगा। ओहो, ये देखिए गाइस, सुपर मिनियन सीसी में से निकला है और एक बेबी ड्रैगन। सुपर मिनियन इज द मोस्ट लीथल वेपन, क्योंकि वो देखिए 5 लॉन्ग शॉट्स होते हैं उसके पास और उसका डैमेज भी बहुत ज़्यादा होता है। 5 शॉट वो सीसी के पास से ही डालेगा तो हमारे ट्रूप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज मिलेगा। क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे? ओह, व्हाट अ टफ सीसी। चलिए देखते हैं। ये देखिए, सुपर मिनियन वहीं से अटैक कर रहे हैं। मैंने फ्रीज डाल दिया है सुपर मिनियंस के ऊपर, पॉइजन डाल दिया, सॉरी लॉग लॉन्चर डाल दिया है, सारे पेकास बॉलर्स और विजर्ड्स डाल दिए और ये लॉग लॉन्चर ने वॉल्स तोड़ दिए। सो हमारे पेकास एंड बॉलर्स अंदर जा रहे हैं। 1 विजर्ड टावर को विजर्ड्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। रेज डाल देंगे हम स्पीडिली एक्ट करने के लिए। सो हमारे सारे पेकास क्वीन अंदर जा रहे हैं, बेस के एकदम सेंटर में पहुंच गए हैं वो, और बॉलर्स हमारे साइड पे हैं। देखिए, लॉन्ग लॉन्चर ने अकेले टीएच को डिस्ट्रॉय कर दिया लास्ट वीडियो की तरह पे। और ये सीसी में से निकला है हमारा पेका और ये आर्चर क्वीन डिस्ट्रॉय कर देगी इन्फर्नो को। सो हमने बैट्स चालू कर दिए यहाँ पे
पांचों बैट स्पेल्स डाल दिए और ये जैसे ही विजर्ड टावर एक्टिव होने वाला था मैंने डाल दिया है फ्रीज। सिर्फ विजर्ड टावर से ही बैट्स को मोस्ट खतरा होता है, सारे विजर्ड टावर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं गाइस। तो अब फ्रीज बचे हैं तो हम उन्हें डिफेंसिस पे डाल देंगे सेफ्टी के लिए ऐसे ही। सो गाइस आप देख सकते हैं इजीली अटैक हमारा हो चुका है एक 3 स्टार। मोस्ट ऑफ हमारे बैट्स बचे हुए, आर्चर भी इन फुल हेल्थ पे है, सीसी का पैका बचा हुआ है और साइड पे हमारे बॉलर्स भी सारे बचे हुए हैं और विजार्ड भी एक है। व्हाट एन ऑसम स्ट्रेटजी, इजीली हमने यहाँ पे ले लिए 3 स्टार थैंक्स टू बैट्स, बॉलर्स एंड आर्चर पी। यो लेट्स सी अनदर अटैक विद सेम स्ट्रेटजी गाइस। यो ये देखिए एक TH-11 बेस पे मैं अटैक करने वाला हूँ, ये होगा एक अनबिलीवेबल अटैक। दोनों इंफर्नो इसके मल्टी पे है, ये बात ध्यान रखेगा कि पैका बोमेट के लिए मल्टी इंफर्नो बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मल्टी इंफर्नो भी विजर्ड टावर की तरह डैमेज देता है और इसके पास ईगल आर्टिलरी भी है क्योंकि ये TH-11। क्या हम ये अटैक 3 स्टार कर पाएंगे गाइस, लेट्स सी। ये विजर्ड मैंने सीसी बेस के लिए डाल दिया था क्योंकि सीसी तो निकल सके पर वो है ही नहीं। सो अब हम चालू कर देंगे हमारा क्वीन बॉम्ब। फिर हम डाल देंगे बेबी ड्रैगन साइड बिल्डिंग क्लियर करने के लिए। देखिए तुरंत ब्लॉक लॉन्चर मत डालिएगा क्योंकि क्वीन कहीं भी जा सकती है। अब यहाँ पे क्वीन इस तरफ मुड़ गई है, वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ की बिल्डिंग क्लियर्ड है। तो हम डाल देंगे लॉक लॉन्चर, क्वीन अंदर जानी चाहिए सो हमने पहले ही लॉक लॉन्चर डाल दिया है। अब दूसरी तरफ की बिल्डिंग हमारा बारबेरियन की क्लियर क्लियर कर देगा और जैसे ही वो क्लैन कासल क्लियर होगा हमारी क्वीन अंदर जाएगी। ये हमारा फनल हो चुका है क्रिएट, क्वीन जा चुकी है अंदर। सो अब हम डाल देंगे हमारे पैकास, बॉलर्स एंड विजार्ड्स। देखिए सारे पैकास रेज के साथ सीधे अंदर जाते हुए। अगर क्वीन के हिट पॉइंट ज़्यादा डाउन हो रहे हैं तो आप पहले रेज यूज़ कर लीजिए, नहीं हो रहे तो बाद में यूज़ कर सकते हैं जब सेंटर में ट्रूप्स आ जाए। ये देखिए मल्टी इन्फर्नो, हमने बैट्स चालू कर दिए, विजार्ड टावर को कर दिया है फ्रीज। अब मल्टी इन्फर्नो भी उतना डैमेज देगा तो हमें मल्टी इन्फर्नो को भी फ्रीज करना पड़ेगा। मल्टी इन्फर्नो को फ्रीज ही रखेगा नहीं तो वो 1 सेकंड में आपके सारे बैट्स को गायब कर देगा। गाइस ये मल्टी इन्फर्नो बेस है तो हमारे बैट्स नहीं बच पाएंगे लेकिन हमारे मैक्सिमम पैकास बचे हुए, आर्चर पिन है विद फुल हेल्थ। सो हमें यकीन है कि ये अटैक हो जाएगा 3 स्टार कि पैकास सारे बचे हुए, सबके हिट पॉइंट्स भी है, एक बैट्स बचा है जो बॉम्ब टावर पर अटैक कर रहा है, आर्चर क्वीन हमारी फुल हेल्थ पे है। सो गाइस इजीली हम ये अटैक कर जाएंगे 3 स्टार अगेंस्ट द टाउन हॉल 11 बेस। तो आप सोच ही सकते हैं कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी है, टाउन हॉल 11 पर हम 3 स्टार कर पा रहे हैं। वाओ व्हाट अ स्ट्रेटजी। तो गाइस इस स्ट्रेटजी के मेन पॉइंट याद रखिएगा, पहले फनल क्रिएट करना है विद आर्चर क्वीन, बारबेरियन किंग एंड बेबी ड्रैगन। जैसे ही फनल क्रिएट हो जाए तो आप लॉग लॉन्चर डाल दीजिए, क्वीन हमारी जानी चाहिए अंदर। फिर हम सारे पैकास, बॉलर और विजार्ड्स डाल देंगे। विजार्ड्स मैंने इसलिए ली क्योंकि क्लैन कासल में से अगर इलेक्ट्रो और एयर ट्रूप निकले तो वो एयर ट्रूप पे अटैक कर सके। अगर आप विजार्ड्स नहीं लेंगे और उसकी जगह बॉलर्स लेंगे तो आपका अटैक फेल हो सकता है क्योंकि बॉलर्स एयर पे अटैक नहीं कर सकते तो इलेक्ट्रो उन्हें इजीली मार देगा। सो लेट्स सी अनदर अटैक गाइस, टाउन हॉल 10 मैक्स बेस पे। देख सकते हैं आप इसके दो विजार्ड टावर इधर ही है तो हम इजीली विजार्ड टावर को क्वीन की हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देंगे। बारबेरियन किंग हमने डाल दिया है और दूसरी साइड हम डाल देंगे बेबी ड्रैगन। सो दो विजार्ड टावर इजीली डाउन हो जाएंगे तो हमारे बैट्स को बहुत आसानी होगी। फ्रीज भी हमने 4 लिए है तो इजीली हम अटैक कर सकते हैं 3 स्टार। एक विजार्ड टावर डाउन, लॉन्ग लॉन्चर डाल दिया है, देखिए हमारे क्वीन अंदर जाते हुए। फनल इज क्रिएटेड गाइस, हमारी क्वीन जा चुकी है अंदर और ये पैकास, बॉलर्स, विजार्ड सब छोड़ दिए, सीधा सीधा देखिए वो टाउन हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं सब। क्वीन के 8 पॉइंट डाउन नहीं हुए तो मैंने अभी रेज नहीं डाला है और ये इसी में से सुपर मिनल निकल रहा है।
तो सुपर मिनट को मैंने फ्रीज कर दिया है विद पॉइजन। सुपर मिनट बहुत खराब डैमेज दे सकते हैं हमारे ट्रूप को, तो पहले उन्हें फ्रीज कर दिया है और ये पॉइजन ने उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अब हम चालू कर देंगे हमारे बैट्स। विजार्ड टावर से एक भी नहीं बचा है गाइस, हमारे पैकर्स और आर्चर भी नहीं, सब विजार्ड टावर डिस्ट्रॉय कर दिए। तो अब हम डिफेंसिस पे ऐसे ही भूल डाल देंगे जिससे हम अटैक कर पा रहे थ्री स्टार। पैकर्स बचे हैं विद फुल हेल्थ, आर्चर पिंग भी है, उसकी एबिलिटी भी बाकी है, तो हम इजीली अटैक कर सकते हैं थ्री स्टार। अब बचा है डिफेंसिस में एक आर्चर टावर और एक कैनन। आर्चर टावर हो चुका है डिस्ट्रॉय, सो अब दो बैट्स बचे हमारे, वो कैनन को डिस्ट्रॉय कर देंगे और दूसरी तरफ से हमारे पैकर आर्चर क्वीन सारा बेस क्लियर कर देंगे। टाइम भी हमारे पास 1 मिनट और 10 सेकंड बचे, सो हम इजीली अटैक कर सकते हैं थ्री स्टार। क्या बोलते हैं गाइस? तो गाइस आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, इजीली आपको स्ट्रेटजी लर्न करना पड़ेगी। स्ट्रेटजी लर्न करने के लिए वीडियो को 2-3 बार देखिए, फ्रेंडली चैलेंज लीजिए, अपना सीसी फुल करिए और फिर फ्रेंडली चैलेंजेस पे प्रैक्टिस करिए। तो इजीली ये स्ट्रेटजी आपको लर्न हो जाएगी और आप थ्री स्टार कर सकते हैं। यो और अटैक हमारा जा रहा है थ्री स्टार की ओर, लेट्स सी अनदर अटैक सेम स्ट्रेटजी। यहाँ पे दोनों इन्फर्नोस मल्टी है, तो ये अटैक भी हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। चलिए करते हैं अटैक। डाल दिया है पहले बेबी ड्रैगन, सेंटर में आर्चर क्वीन और हीलर, स्क्रीन वॉक हो चुका है शुरू। और कॉर्नर पे डाल देंगे हम बार्बी रेंटी, तो देखिए इजीली फनल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। बेबी ड्रैगन की पोजीशनिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप अगर एयर डिफेंस के बाद बेबी ड्रैगन डाल देंगे तो वो तो ऐसे ही मर जाएगा, तो आपको फनल नहीं क्रिएट हो पाएगा। तो बेबी ड्रैगन को एयर डिफेंस से दूर रखिए। ये देखिए एक टैका मैंने डाल दिया क्योंकि फनल नहीं हो रहा था क्रिएट। अब हम डाल देंगे लॉक लॉन्चर। सारे पैकर्स बॉलर्स विजर्ड डाल दिए, सीधा सीधा वो अंदर जा रहे हैं। और ये सीसी में से सुपर मिनियन एंड बेबी ड्रैगन, सो मैंने फिर से डाल दिया है फ्रीज एंड पॉइजन। अब सेंटर में सारे ट्रूप पहुंच चुके हैं, तो डाल देंगे रेज। अब हम शुरू करेंगे हमारे बैट्स। बैट्स ने एक्सपो डिस्ट्रॉय कर दिया है, एक मल्टीपल को बचा है तो मैंने उसे फिनिश कर दिया है। विजार्ड टावर पे डाल दिया है फ्रीज। अब डालेंगे मल्टी इन्फर्नो पे, सो और मल्टी इन्फर्नो इज डाउन। अब तो गाइस हमारे पास फ्रीज नहीं बचा है, लेकिन एक विजार्ड टावर बचा है तो वो बच जाएगा, पर एक्सपो तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे हमारे बैट्स। दो विजार्ड टावर बचे, लेकिन कोई बात नहीं, ये एक मल्टी इन्फर्नो बेस था तो हमारे लिए इतना भी है कि हम ये अटैक थ्री स्टार कर पा रहे हैं विद पैका बूम है। देखिए पाँचों पाँच पैकर्स हमारे बचे हुए हैं, आर्चर क्वीन विद फुल हेल्थ, बोलर्स भी है। और टाइम भी हमारे पास बचा है 55 सेकेंड, तो इजीली हम ये अटैक कर सकते हैं थ्री स्टार। क्या लगता है आपको थ्री स्टार हो पाएगा? वेट एंड वॉच। सो गाइस अगर आपको मेरे अटैक्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा गाइस। और ये एक और अटैक हो चुका है हमारा थ्री स्टार, लेट्स सी अनदर अटैक विद द सेम स्ट्रेटजी। देख सकते हैं आप एक बार और आर्मी,
हम चले अटैक की तरफ। एक इन्फर्नो मल्टी है और एक सिंगल है। हम करेंगे मल्टी इन्फर्नो की साइड से अटैक। आर्चर क्वीन डाल दिए और हीलर्स क्वीन वॉक हो चुका है शुरू। दूसरी कॉर्नर पे हम डाल देंगे बारबेरियन की और अब सेंटर में डाल देंगे। कॉर्नर पे डाल दिया है बेबी ड्रैगन। एयर डिफेंस से दूर डाला है बेबी ड्रैगन को। सो इस साइड पे बेबी ड्रैगन ने बिल्डिंग क्लियर करी तो आर्चर क्वीन राइट साइड पे जा रही है। लॉन्ग लॉन्चर डाल दिया हमने। फनल हो चुका है क्रिएट तो अब हम डाल देंगे टेकास एंड बॉलर्स एंड विजार्ड्स। सीसी में से निकला इलेक्ट्रो और बलून तो हम डाल देंगे पॉइजन और फ्रीज। हीलर्स को बहुत डैमेज दे रहा है। हम चालू कर देंगे बैट, सीधा मल्टी इन्फर्नो को डिस्ट्रॉय करेंगे। वो फ्रीज डाल दिया है मल्टी इन्फर्नो पे और ये बीच में इलेक्ट्रो बहुत डैमेज दे रहा है हमारे ट्रूप्स को क्योंकि वहाँ पे आर्चर क्वीन और विजार्ड्स नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा थ्री स्टार करेंगे देखिए। और ये इलेक्ट्रो हो चुका है डाउन। कॉर्नर पे देखिए हमारे मैक्सिमम पेकास बॉलर्स और विजार्ड्स बचे हुए। दूसरे साइड पे हमारी आर्चर क्वीन है। आर्चर क्वीन हो चुके हैं डाउन लेकिन पेकास और बॉलर्स बचे हुए तो हम इजीली अटैक कर सकते हैं थ्री स्टार। और ये विजार्ड एक्सपो को डाउन कर देंगे और हमारे बॉलर्स गोल्ड स्टोरेज भी डाउन कर देंगे। सो आर अनदर अटैक बिकम्स अ थ्री स्टार। परफेक्ट थ्री स्टार मिल गया स्ट्रेटजी से। लेट्स सी अनदर अटैक। इसका भी सेम है, एक इन्फर्नो मल्टी है और एक सिंगल है। तो हम कॉर्नर से शुरू कर देंगे हमारा क्वीन वॉक। दूसरे कॉर्नर पे हम डाल देंगे बारबेरियन किंग और फिर बेबी ड्रैगन डाल देंगे। थोड़ी देर रुके क्वीन की तरफ उड़ेगी फिर हम डाल देंगे बेबी ड्रैगन और बारबेरियन की। तो अब ये हो चुका है कि हमारी क्वीन इस डायरेक्शन में जाएगी। तो हमने कॉर्नर पे डाल दिया है बेबी ड्रैगन, बीच में हम डाल देंगे बारबेरियन की। तो गाइस फनल हो चुका है क्रिएट तो हम डाल देंगे लॉग लॉन्चर। जैसे ही वॉल्स टूट जाएंगे हम डाल देंगे सारे पेकास बॉलर्स और विजार्ड्स। और ये सीसी में से निकला है इलेक्ट्रो और बलून। सो हम डाल देंगे पॉइजन एंड फ्रीज। हमारे पेकास अंदर जा रहे हैं, बॉलर्स भी अंदर है। इलेक्ट्रो यहाँ पे बहुत डैमेज दे सकता था तो मैंने फ्रीज डाल दिया है। तब तक विजार्ड्स उसे डाउन कर देंगे। और ये इलेक्ट्रो हो चुका है डाउन। सब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स। बैट्स को डालेंगे पेका के पीछे और ये विजार्ड टावर डाउन कर देंगे। वो फ्रीज डाल दिया उस पर। ये सेकंड विजार्ड टावर का फोकस देखिए पेकास पे। सो हमें फ्रीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वैसे भी हमारे पास फ्रीज नहीं बचा है। और ये बैट्स ने विजार्ड टावर को डाइन कर दिया क्योंकि उसका फोकस था पेकास पे। सो अगर ऐसा सीनरी आपके साथ हो तो फ्रीज मत यूज करेगा अगर फ्रीज बचाओ तो भी, क्योंकि फ्रीज आगे आपको काम आ सकता है। सो गाइस इजीली अटैक हो जाएगा हमारा थ्री स्टार। मैक्सिमम बैट्स बचे हुए, पेका बचा है, आर्चर क्वीन है, विजार्ड और बॉलर एक बिल्डिंग बचा है वहां पे जा रहे हैं। टाउन हॉल पे है बैट्स और पेका। टाउन हॉल हो चुका है डिस्ट्रॉय। एक बिल्डिंग बची है जिसे विजार्ड ने डिस्ट्रॉय कर दिया। सो आर अटैक बिकम्स अ थ्री स्टार। चलिए बढ़ते और एक अटैक की ओर।
दोनों इन्फर्नो सिंगल पे है, तो हम कॉर्नर से शुरू कर देंगे हमारा क्लीन वॉक। यहाँ पर विजार्ड इसलिए डाल देंगे क्योंकि क्वीन उस तरफ मोड़ सकती थी, इसलिए अब हम दूसरी साइड डाल देंगे बार्बियन किंग, सेंटर में डाल देंगे बेबी ड्रैगन, आर्चर क्वीन के इनपर्ट डाउन हो रहे हैं, लेकिन एबिलिटी थी तो मैंने अभी यूज नहीं की। तो गाइस पाथ क्लियर हो चुका है, तो हम डाल देंगे हमारे सारे पैकास बॉलर्स, और ये सीसी में से निकला है नेक्स्ट लेवल का पैका और बेबी ड्रैगन। पैका को तो पैका हैंडल कर लेंगे और बेबी ड्रैगन को विजार्ड हैंडल कर लेंगे। क्वीन हमारी बची हुई है फुल हेल्थ पे, और ये सारे ट्रुप बढ़ चुके हैं सेंटर की तरफ। तो अब हम शुरू कर देंगे हमारे बैट्स जो सीधा जाएंगे विजार्ड टावर की तरफ, तो हम डाल देंगे फ्रीज। विजार्ड टावर हो चुका है डाउन, तो वो इन्फर्नो की तरफ बढ़ेंगे, इन्फर्नो को कर दिया उन्होंने डाउन। सेकंड विजार्ड टावर पे हमने डाल दिया है फ्रीज, अब बचा है एक विजार्ड टावर और एक फ्रीज, और ये हमने डाल दिया है फ्रीज। सारे विजार्ड टावर डिस्ट्रॉयड, एयर डिफेंस भी डिस्ट्रॉयड, तो अब इजीली हमें अटैक थ्री स्टार कर जाएंगे। एका हमारा बचा हुआ है, विजार्ड बचा है, जायंट बचे है, और बैट्स मैक्सिमम बचे हुए, तो वो इजीली अटैक को थ्री स्टार कर जाएंगे गाइस। ये स्ट्रेटजी को बहुत पेशेंस लगती है, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। बैट्स कब डालने हैं वो भी एक टेक्निक है, और विजर टावर से उन्हें प्रोटेक्ट करना है ये खास याद रखिएगा। अगर आप फ्रीज डालने में ज़रा सा भी लेट हो गए तो विजर्ड के एक ब्लास्ट से सारे बैट्स डाउन हो जाएंगे, फिर आपका अटैक नहीं हो पाएगा थ्री स्टार। सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सपोर्टर्स के लिए एक खास वीडियो बनाऊंगा मैं, जो मेरी स्ट्रेटजी यूज करके 3 स्टार कर पाएंगे। ऐसे मेरी स्ट्रेटजी दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं वो वीडियो मैं बनाऊंगा नेक्स्ट। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो गाइस, ये मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ही है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।